नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ वर्कर्स कॉलेज के वोकेशनल डिपार्टमेंट में। ये है हमारा वोकेशनल डिपार्टमेंट, स्टूडेंट्स का वोकेशनल डिपार्टमेंट जो 2012 में बनकर तैयार हो गया था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि 2012 के बाद अब तक कॉलेज को ये डिपार्टमेंट जो है वो हैंडओवर नहीं हो सकता है। इसके पीछे की वजह यूनिवर्सिटी ही जान सकती है कि आखिरकार इस डिपार्टमेंट को अभी तक हैंडओवर क्यों नहीं किया गया है। हम बात करेंगे यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स से और जानेंगे कि आखिरकार वोकेशनल डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि यहाँ पर माना जाता है कि कॉलेज में जो सबसे अधिक फीस देने वाले हैं वो यही स्टूडेंट्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ये स्टूडेंट्स। हम बातचीत करेंगे कुछ स्टूडेंट्स से और जानेंगे कि आखिरकार किन सुविधाओं के अभाव में इस वोकेशनल डिपार्टमेंट में ये पढ़ रहे हैं और पढ़ाई कैसी है यहाँ की। पढ़ाई की बात कर ली जाए, पढ़ाई की बात हम करेंगे, साथ ही हम बात करेंगे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये 2012 का ये कैंपस बनकर तैयार है, लेकिन आपको यहाँ पर देखने को जो मिलेगा एंट्रेंस पर वो गंदगी देखने को मिलेगी और ये एंटर आपको गंदगी आपको साफ तौर पर दिख जाएगी। और यहाँ पर भी आप टूटे फूटे कुछ बेंचेस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हालात है वोकेशनल के और इससे स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी की भी समस्या है। तो हम बातचीत करेंगे स्टूडेंट्स से और जानेंगे कि आखिरकार वो किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो देखिए मेरी यह खास रिपोर्ट दीजिएगा। मेरा नाम सरफराज अहमद है, मैं MBA का सेकंड सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। सेकेंड सेमेस्टर यानी कि आपकी परीक्षा हो चुकी है? सेकेंड सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम्स नहीं हुई है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके हैं हम लोग, उसका रिजल्ट आ गया है। और सेकेंड सेमेस्टर का इंटरनल मार्क्स यूनिवर्सिटी की तरफ कॉलेज से यूनिवर्सिटी की तरफ गया है, बट अभी तक कोई रिजल्ट का पुष्टि नहीं हुआ है। तो ये रिजल्ट कितने दिनों से पेंडिंग है? ये समझ लीजिए हम लोगों का सेशन कम्प्लीट हो चुका है। 2 साल का हमारा सेशन था, अगस्त 2021 तक कंप्लीट होना था जो हो चुका है, बट अभी तक हम लोग फर्स्ट ईयर ही में क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स हुआ तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि हम लोग फर्स्ट ईयर ही में। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हम लोग सेकंड और थर्ड प्रमोशंस करके फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिया जाएगा, बट इसका अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है। इस पुष्टि के लिए हम लोग आवेदन पत्र दिए हैं अपने प्राचार्य के द्वारा यूनिवर्सिटी भिजवाए हैं, तो अब देखिए हम लोग क्या होता है। इसी के सिलसिले में हम आपको बताना चाहते हैं। और कॉलेज में आप 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले चाहे टीचर्स की बात कर ले, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है? फैकल्टी सब ठीक है, एक फाइनेंस के फैकल्टी हमारे यहाँ नहीं है। यूनिवर्सिटी की कोशिश कर रही है कि शायद आ जाए। स्टूडेंट को फाइनेंस के लिए प्रॉब्लम होता है, फाइनेंस ठीक है। बाकी पीने का पानी होगा थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, खराब हो जाता है मोटर ठीक है। जो हम लोगों के पास फ्रीजर लगा हुआ है वो ख़राब भी पड़ा हुआ है, शौचालय में थोड़ा सा दिक्कत है। लाइब्रेरी में बुक अवेल उतना नहीं रहता है। MBA वोकेशनल लेवल का जो बुक्स है वो हमारे पास नहीं है हमारी लाइब्रेरी। तो फिर लाइब्रेरी में जब बुक्स नहीं है तो फिर आप लोग पढ़ाई कैसे करते हैं? परचेस कर लेते हैं, बाकी सर लोग हेल्प करते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल्स हम लोगों को मिल जाता है। अच्छा, यानी कि बुक्स नहीं है लाइब्रेरी में? बुक्स हम लोग अपने से ले लेते हैं, बाकी फाइल्स PDF फाइल्स मिल जाता है। PDF फाइल मिल जाता है। और मेन मुद्दा है कि हमारा जो सेशंस कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। अगर हम लोग सही टाइम पर अगर फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं लिया जाए तो हम लोग 6-7-8 महीने और लेट हो जाएंगे। इस चीज़ के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि तो ये वोकेशनल के साथ प्रॉब्लम है या फिर कॉलेज में बाद बाकी कोर्सेज? वोकेशनल के साथ हो रहा है, बाकी सब स्नातक कोर का जो परीक्षा हुआ था 3 और 4 में लोगों का प्रमोशन मिल गया, सेकंड एंड थ्री में प्रमोशन मिल गया था। हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि सेकंड और थर्ड में हम लोग का प्रमोशन मिल के फोर्थ का एग्ज़ाम लिया जाए, जिससे हमारा समय बच सके, क्योंकि हम लोग वोकेशनल में हैं। छोटी तौर पर बिजनेस रिलेटेड कोर्स है, हम लोगों को जॉब पर असर पड़ रहा है, हम लोग सही से जॉब नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पर प्लेसमेंट भी नहीं है अभी तक आई है। क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं MBA के स्टूडेंट्स होने के नाते? जैसे कि मैं MBA के विद्यार्थी हूँ तो आपको बताते चलूँ, ये हमें एक प्रोस्पेक्टस मिला था, प्रोस्पेक्टस में लिखा है वेल क्वालिफाइड स्टाफ फुल वाईफाई कैंपस। मैं पहले बता देना चाहता हूँ वाईफाई कैंपस कहाँ है। आप यदि आएंगे तो टीचर्स को वाईफाई, जो कंप्यूटर चला रहे हैं उनके पास वाईफाई नहीं है, तो हम स्टूडेंट के लिए कहाँ से वाईफाई होगा। दूसरा क्या है, 100% प्लेसमेंट को लेकर के सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। 2-4 लोगों को गलती से प्लेसमेंट हो जाती है, उसके बारे में पूरे कॉलेज ढिंडोरा पिटते हैं कि 100% प्लेसमेंट देते हैं। हमें तो लगता है कि आखिरी 3 सालों में 10% की भी प्लेसमेंट नहीं हुई है। और आप जैसे ही कॉलेज के अंदर घुसेंगे तो आप देखेंगे ना, पीने के लिए पानी है, शौचालय एकदम गंदा पड़ा हुआ है और साफ़ सफाई को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर ही हम लोग 2 साल तक पढ़ाई करेंगे लेकिन हमें हमारा भविष्य उज्ज्वल नहीं दिखता है, क्योंकि कैंपस हमारे सीनियर्स का नहीं हुआ है तो हमारा कैसे होगा। फिर आप जब जैसे ही जाएंगे कि यहाँ पर लिखा है कि
हम यूनिवर्सिटी के टॉपर्स को लाते हैं, लेकिन हमारे मैं बताते चलूँ सिर्फ हमारा कॉलेज और पीजी में ही एमबीए की पढ़ाई होती है, तो टॉपर्स कहाँ से होंगे? ऑब्वियसली हमारे कॉलेज से ही होना है, लेकिन हम जब हम देखते हैं कि लाइब्रेरी की बात करें, लाइब्रेरी के लिए हम जब जाते हैं तो लाइब्रेरी में बताया जाता है कि वोकेशनल की किताब नहीं है, वोकेशनल के डिपार्टमेंट में आके कहते हैं तो बोलते हैं कि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को लिखा है, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला है। और बार बार हम लोग कहते हैं कि सर हमें लाइट की आवश्यकता है, हमारा शौचालय गंदा है, पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, और आप कहीं भी जाइए तो स्विच बोर्ड टूटा हुआ है, लाइट्स नहीं है, बरसात थोड़े से होते हैं लाइट कटने लगते हैं, मान लो कि ऐसी परिस्थिति है, और उसी अंधेरे में विद्यार्थी अपने क्लासरूम में बैठे रहते हैं और अपने क्लास करते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिजिटाइजेशन नहीं है, ना वाईफाई है, ना हमारे पास डिजिटल ब्लैक बोर्ड्स है, ना कुछ इसी तरीके का नहीं है। हम सबसे अधिक पैसे देने वाले विद्यार्थियों में से हैं, 25,000 रुपये पर सेमेस्टर देते हैं, लेकिन उस 25,000 का क्या हो रहा है, खर्च कहाँ हो रहा है, ये हम लोग समझ ही नहीं आ पाते हैं। समझेंगे भी कैसे, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज आते हैं तो कॉलेज देखते हैं कि मैक्सिमम डेज कॉलेज का लाइन कटा हुआ है, इसमें तो जनरेटर की व्यवस्था भी नहीं है, ना का हम लोग गर्मियों में बैठे रहते हैं, ना एक बड़ा सा कैंपस है, ना एक बड़ा सा क्लासरूम। यदि हम 50 लोग एक साथ क्लास करने के लिए आ जाएं तो हमारे पास बैठने की जगह नहीं होती है, ऐसा हमारा वोकेशनल का डिपार्टमेंट का दुख दर्द है। मौजूद है वर्कर्स कॉलेज के प्रिंसिपल सत्यप्रिया महालिक सर। सर यहाँ के वोकेशनल डिपार्टमेंट की काफ़ी चर्चा है, यहाँ पर बहुत से वोकेशनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई भी होती है, लेकिन वोकेशनल डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स की समस्याएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, साथ ही प्लेसमेंट से भी जुड़ी हुई, तो क्या कहेंगे आप इस पर, समस्या किस तरह से ये आगे बढ़ रही है और इस पर समाधान क्या है? मैं तो लगातार मीडिया के माध्यम से तमाम दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। जो आपका सवाल है उस पर मैं बात ये करना चाहता हूँ कि मैं इस महाविद्यालय में मेरा उपस्थिति 1 साल हुआ है, और 1 साल के अंदर मैंने कॉलेज में जो जो आधारभूत संरचना की व्यवस्था होनी चाहिए, खास करके वोकेशनल डिपार्टमेंट्स में, उस पर मैं ध्यान दिया। मेरे से जितना संभव हो पाया मैंने उसको किया, पेयजल की व्यवस्था और लाइटिंग की ये हो रहा है, और मैंने एक बजट बनाकर टोटल वोकेशनल सेल का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कंप्यूटर लैब के लिए और बाकी चीज़ जो ज़रूरत है उसके लिए मैंने एक बजट बनाया है, और ये बजट को मैंने विश्वविद्यालय भेजा। उम्मीद है कि बहुत जल्द वो बजट पास हो जाएगा तो हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है, प्लेसमेंट सेल हमारा बना हुआ है, और बीच बीच में हम लोग प्लेसमेंट सेल के द्वारा कुछ वर्कशॉप भी किए हैं, कुछ कंपनियों से संपर्क बनाए हैं, और बहुत जल्द हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि 1-2 कंपनी हमारे यहाँ आएंगे जो प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे। ये बात सही है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कमियाँ हैं और उस पर मैं पहल कर रहा हूँ। मेरा पूरा प्रयास है कि बहुत जल्द ये सारे व्यवस्था सुधर जाएगा। वाईफाई भी कॉलेज में मेरे प्रयास से कॉलेज में लगा हुआ है, और पूजा छुट्टी से पहले वहाँ वोकेशनल सेल में भी वाईफाई की व्यवस्था लग जाएगी। बाकी जो छोटे मोटे चीज़ हैं उसको हम सबसे महत्वपूर्ण ढंग से उसको देख रहा हूँ और उसका जल्द उसको काम करने के लिए भी विचार कर रहा हूँ। तो आपने जैसे देखा कि स्टूडेंट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर से किस हद तक परेशान है, पर चाहे बात हम प्लेसमेंट की कर लें या फिर लाइब्रेरी की कर लें, यहाँ तक कि यहाँ पर वॉशरूम की, क्लासरूम की भी जो कुछ दिक्कतें हैं वो आप अपने आप से देख सकते हैं। दीवारों पर सीलन और टूटा हुआ स्विच बोर्ड, ये इस पूरे वोकेशनल डिपार्टमेंट का जो हाल है वो साफ तौर पर बयां कर रहा है कि किस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर बंद कमरे में, ये कमरा काफ़ी छोटा आप कह सकते हैं कि ये 50 स्टूडेंट्स के लिए, 50 स्टूडेंट्स एक बैच में रहते हैं, 50 स्टूडेंट्स के लिए ये कमरा काफ़ी छोटा है और यहाँ पर सिर्फ 3 कमरे हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है। और स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सफोकेशन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि क्लासरूम काफ़ी छोटा है और स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी कम है। फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं आ पा रहे, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में यहाँ पर स्टूडेंट जो फेस करते हैं वो सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट्स ही समझ सकते हैं। स्थिति काफ़ी गंभीर है और इस पर यूनिवर्सिटी को कई बार पत्र भी लिखा जा चुका है, पत्राचार चलते आए हैं, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ने वोकेशनल डिपार्टमेंट की इस खराब हालत पर, इस बदतर स्थिति पर आवाज़ उठाने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। चाहे हम बात कर रहे हैं वॉशरूम्स की, ये बिना यूज के ये काफ़ी समय से गंदा है, लेकिन काफ़ी समय से ये बंद है, लेकिन ये इस्तेमाल में नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन फिर भी यहाँ पर गंदगी जो है वो बरकरार है। तो आप चीज़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्कर्स कॉलेज के वोकेशनल डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर किस हद तक जूझ रहे हैं। इस पर ज़रूरत है यूनिवर्सिटी को आवाज़ उठाने की, आगे आने की, और जिस बदहाली पर जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी, यही उम्मीद की जा सकती है कि यूनिवर्सिटी इस बदहाली पर जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, ताकि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई जो है पढ़ाई पर फोकस कर सके। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइन लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।